अंतर्गत उमेडंडा में स्थित है हबरुआ पहाड़। ट्रैकिंग के शौकीनों को यह बेहद पसंद आएगा क्योंकि यहां आपको ट्रैकिंग करने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए पूरी तरह प्राकृतिक माहौल मिलेगा। पहाड़ में किसी प्रकार से सीढ़ी या कोई भी निर्माण नहीं किया गया है। 2100 फीट के इस पहाड़ पर पहाड़ी रास्ते से होकर ऊपर जाया जा सकता है। पहाड़ के ऊपर में एक आपरूपी शिवलिंग स्थापित किया गया है। शिवलिंग पर आपरूपी नकाशी पार्वती, शिव और भगवान गणेश की है, जहां पर पूजा पाठ भी किया जाता है। हालांकि पहाड़ के ऊपर थोड़ा निर्माण किया गया शिवलिंग स्थल है जो पूरा नहीं हुआ है। यहां पर बैठकर कुदरत की हसीन वादियों का नजारा लिया जा सकता है। इस स्थल से 4 जिलों का स्थान दिखता है, चतरा का पिपरवार कोलफील्ड, रामगढ़ का पतरातू डैम, हजारीबाग का दामोदर और आसमान साफ होने पर वहां से रांची पहाड़ी मंदिर तक साफ दिखाई देता है। इसके अलावा आसपास में हबरुआ से छोटी ऊंच नीच और कई पहाड़ें भी देखने को मिलती है। इस जगह का नाम हबरुआ पहाड़, जिसमें शिव, पार्वती और गणेश जी विराजमान हैं और ये लोकल क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं इनके ऊपर आस्था और विश्वास रखते हैं। ये बहुत प्राचीन काल से ही इस पहाड़ी के ऊपर बाबा के ऊपर पूजा होते आ रहा है, जो बहुत पुराने समय में असुरों का एक ये धाम कहा जाता था। वही धाम से यहाँ से हमारे पीछे एक असुरा बांध भी है, जहाँ पर नहा धोकर असुर लोग यहाँ पर पूजा करते थे। उस काल से अभी भी यहाँ के ग्रामीणों जैसे कि आरित, उमेडंडा, बदलुट्टा, बटका, हिरिंग, हिंदेगीर, ये सब पूरे जोश के साथ 14 जनवरी के दिन मेला भी एक आयोजन किया जाता है और पूरे पूजा पाठ के साथ विधि विधान के साथ यहाँ किया जाता है। यहाँ पर ही जो है ये स्थल है, इस स्थल से कौन कौन से जिला का जगह को हम देख सकते हैं? यहाँ आज जो हम बैठे हैं हबरुआ बाबा में, यहाँ से 4 जिले का दृश्य दिखाई देता है, जो इस प्रकार है। यहाँ से मेरा दाहिने हजारीबाग, जिसका दामोदर नदी साफ बहते हुए दिखता है। यहाँ से मेरा बाएं रांची जिला का पहाड़ी मंदिर, जो मौसम साफ होने से क्लियर दिखाई देता है। इधर मेरे पीछे रामगढ़ जिले का पतरातू डैम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इधर मेरे सामने चतरा जिला का पिपरवार, जो कोलफील्ड इलाका है, वो साफ दिखता है। और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद जो छोटे छोटे पहाड़ी हैं, ऊंच नीच पहाड़ी होने के कारण श्रीनगर के जैसा माहौल दिखता है और छोटे छोटे हरे पौधे देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं।